असम सरकार 1 सितंबर से राज्य के स्कूल, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों को खोलने पर विचार कर रही है, जिसे लेकर शिक्षा विभाग ने SOP भी तैयार कर रखा है। लेकिन इस माहौल में क्या पाठदान हो पाएगा, इस संदर्भ में क्या कहते हैं विद्यार्थी, अभिभावक, आइए डालते एक नजर। असम में कोरोना के अब तक 50,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन फिलहाल परिस्थिति के कुछ नियंत्रित होने को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 1 सितंबर से स्कूल कॉलेजों को खोलने का विचार किया है। पिछले 5 महीनों से समूचे देश के साथ ही असम में भी स्कूल कॉलेज बंद पड़े हैं। 1 सितंबर से कक्षा 5 से विश्वविद्यालय स्तर तक पाठदान को शुरू करने पर सरकार विचार कर रही है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए SOP भी तैयार कर रखा है, लेकिन इन परिस्थिति में पाठदान के लिए असम कितना तैयार है? अगर 1 सितंबर से स्कूल, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में पाठदान शुरू हुआ तो क्या विद्यार्थी आएंगे? विद्यालयों में अपने बच्चों को भेजने के लिए अभिभावक कितने तैयार हैं? विद्यार्थियों की इसे लेकर क्या राय है, ये जानने के लिए हमने विद्यार्थी से लेकर अभिभावकों तक से बात की, लेकिन इस दौरान हमें मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिली। कोई जहां इसका समर्थन करते नजर आया तो किसी का कहना था कि अपनी जान से बड़ा कुछ नहीं है, अगर जान रही तभी शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। মই ভবা মতে ক্ষতি নহয় বুলি ভাবো, কারণ কেলে জীবনটোতকে পড়াটো ডাঙৰ নহয় এটা হিসাবত, কিন্তু যদি আমি যদি ভালকে স্বাস্থ্যটো ভালকে থাকিব পাওঁ তেতিয়াহলে ই ভালকে পঢ়িব, পঢ়া ক্ষেত্রত আগুৱাই যাব পাৰিব। স্কুলত পঠোৱাটো একেবাৰে সমীচীন নহয়, কিন্তু বৰ্তমান পৰিস্থিতিত গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো গাইডলাইন সেইমতে যদি আমি চলিব পাৰোঁ তেতিয়াহলে স্কুল খোলাটোক মই সমৰ্থন কৰোঁ। যে মই ভাবোঁ যে আমি ছেপ্টেম্বৰ 1 তাৰিখৰ পৰা স্কুল খোলা কথা আছে, যিটো সামাজিক দূৰত্ব ৰাখি তেওঁ যিটো স্কুলৰ নিয়ম কানুন বান্ধি দিছে সেইমতে যদি ঠিকে থাকে স্কুলত মই ল'ৰাক পঠিয়াম। वहीं कुछ अभिभावकों का कहना है कि जब तक वैक्सीन नहीं निकलता तब तक स्कूल कॉलेज ना खुले वही बेहतर होगा। स्कूल समूह खोलार क्षेत्र जितिया लगे प्रतिषेधक बा वैक्सीन नुलाए तितिया लगे हटो संभव न हो। वहीं कुछ अभिभावकों का कहना है कि स्कूल कॉलेजों को खुलना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस से उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही। মোৰ সম্ভৱ অনলাইন শিক্ষা কিন্তু কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয়, সেইটো সকলোৰে কাৰণে পচিবল নহয়তো। যদিও অনলাইনৰ ক্লাছ হৈছে, সেই ক্লাছটো মই সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ বা শুদ্ধ বুলি অশুদ্ধ বুলি ক'ব খোজা নাই, কিন্তু যিমানখিনি পাব লাগে সিমানখিনি পোৱা নাই, গতিকেলৈ মই স্কুল হোৱাটো মানে বিচাৰোঁ, বিশেষকৈ 10ম শ্ৰেণীৰ ক্লাছটো। ইধৰ মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় স্তৰ কে বিদ্যাৰ্থীও কি মানে তো জল্দ সে জল্দ কলেজ ইউনিভাৰ্চিটি খুলনে চাহিয়ে। শিক্ষানুষ্ঠানবোৰ খুলিব লাগে লাহে লাহে, কাৰণ এতিয়া আমাৰ আধা আধি গোটেই 5 মাহ মানে আৰু 1 বছৰ এটা যাবলৈ হ'ল, 1 বছৰ শেষ, আৰু আমাৰ ফিউচাৰটো ভাবক না, 1 বছৰ এটা লষ্ট মানে বহুত লষ্ট। তো আমি বিচাৰোঁ খুলি দিয়াটো, কাৰণ অলৰেডি আমাৰ 1 মানে লষ্ট হ'লেই বহুতখিনি, তো অনলাইন ক্লাছ কৰি আছে কিন্তু তেনেকৈ একো বুজি পোৱা নাই। असम सरकार भले 1 सितंबर से स्कूल कॉलेज को खोलने पर विचार कर रही हो, लेकिन 20 अगस्त तक सरकार इस संदर्भ में असम वासियों की राय लेगी। हालांकि इस पर अंतिम फैसला केंद्र सरकार को ही लेना है। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट लाइव।